Good afternoon, class 6. First of all, congratulations. Welcome to class 6. आप सब लोग class 6 में आ गए हो. इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आपका आज का वर्क क्या है. ठीक है, सबसे पहले जो फाइल दिया है ग्रुप में, आप उसको डाउनलोड करोगे. ये जो फाइल है, जो स्क्रीन में दिख रहा है, वो आप डाउनलोड करोगे और खोलोगे, राइट? उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट इज नेक्स्ट. सो आज के लिए आपके तीन टास्क है, एक इंग्लिश का, एक मैथ का और एक आर्ट का. ओके, इंग्लिश में सबसे पहला काम क्या है, आपको बोलो ऐप इंस्टॉल करना है. ठीक है, बोलो ऐप का वीडियो हम भेज देंगे ग्रुप में. आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको उस वीडियो को देख के पता चल जाएगा. आप वैसे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके बोलो ऐप इंस्टॉल करेंगे और बोलो ऐप में 20 मिनट के लिए स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है, स्टोरी पढ़ने के बाद आपको स्टार्स मिलेंगे जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज सकते हो. अगर आपको पता नहीं है कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हो. ठीक है, उसके बाद ये पोएम है सेकंड में. ये पोएम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद आप एक वॉइस नोट बनाओगे या वीडियो बनाओगे और बना के वो हमें ग्रुप पे भेजोगे. ठीक है, इस पोएम को हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाती हूँ. द टाइटल ऑफ द पोएम इज आई कैन रीड. आई कैन रीड ऑन अ बोट. आई कैन रीड विद अ गोट. I can read on a train. I can read in the rain. I can read with a fox. I can read in a box. I can read with a mouse. I can read in a house. I can read here or there or anywhere. Thank you. ऐसे आप पढ़ोगे और एक voice note बनाओगे या video बना के हमें भेजोगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका मैथ्स है. मैथ्स में हम बेसिक मैथ करेंगे आज के लिए, नथिंग वेरी डिफिकल्ट. आपको ये सब आता है. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं इनको, इनका स्पेलिंग लिखोगे आप. ठीक है, जब भी बोलते हैं राइट नंबर्स इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग लिखना. ओके, उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस. ये 10 सम्स है जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है और डिविजन है. ये सारे सम्स आप सॉल्व करोगे. यू विल सॉल्व ऑल दीज 10 सम्स अपने नोटबुक में एंड देन उसका फोटो खींच के हमें ग्रुप पे भेजोगे. देन फॉर ज्योमेट्री यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर. ओके, आपके घर में कहीं पे भी अगर आपको कोई भी स्क्वायर चीज मिलेगा, चाहे वो टाइल हो या कोई बॉक्स हो या खिड़की हो, कहीं पे भी, बट रिमेम्बर इट हैज टू बी अ स्क्वायर. स्क्वायर और रेक्टेंगल में बहुत डिफरेंस है. स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं. ठीक है, थीके? तो यहाँ पे मैंने ये फोटो भेजा है. ऐसी चीज कहीं पे भी आपको घर पे दिखती है, उस चीज का आप फोटो खींचोगे और ग्रुप पे भेजोगे. ठीक है, उसके बाद थोड़े से मैथ्स के पजल्स है. ठीक है, ये पजल्स बहुत ही सिंपल है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई इट. यहाँ पे जैसे 2 प्लस यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे क्या डालने से 3 होगा और उसके बाद ये जो आएगा उसके बाद आप 7 को ऐड करने से यहाँ क्या आएगा करके आप ये पूरा टेबल कंप्लीट करोगे. ठीक है, और इस पजल में आपको निकालना है कि लास्ट वाले का आंसर क्या है. अगर 2 पैकेट मिला के 8 होते हैं, एक कुकी और एक पैकेट मिला के 10 होता है, राइट, और एक कुकी और एक पॉपकॉर्न मिला के 9 होता है, तब ये दोनों मिला के कितना होता है, आप सोचिए थोड़ा सा. अगर आपको आंसर नहीं आता है तो हम मदद करेंगे, लेकिन यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट. पहले आप खुद से ट्राई करोगे. ठीक है, और आपके आर्ट एक्टिविटी के लिए आज आप कोई भी, यहाँ से कोई भी एनिमल बना सकते हो. यहाँ पे एक पिकाचू का ड्राइंग दिया हुआ है और यहाँ पे एक कैट का ड्राइंग दिया हुआ है. आप यहाँ से कोई भी एक बना सकते हो, और इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग एल्स यू आर फ्री टू ड्रॉ दैट. ओके, यू जस्ट हैव टू डू सम आर्ट एक्टिविटी. आप ये सारी चीजें कब सबमिट करोगे, आप अपना काम 3:30 से 5 बजे तक करोगे और करने के बाद 5 बजे हम ग्रुप खोलेंगे और आप ग्रुप में अपने आंसर्स भेजोगे. ठीक है, जो भी काम किया है उसका फोटो खींच के आप ग्रुप में भेजोगे. आपको 6 बजे हम ग्रुप में एक गूगल फॉर्म भेजेंगे. ठीक है, वो एक वर्कशीट होता है, हम आपको उसके साथ एक वीडियो भेजेंगे. वीडियो में दिखाएंगे कि आपको कैसे वो फॉर्म भरना है. ठीक है, वो फॉर्म भर के आपको सबमिट करना है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. ओके, थैंक यू, बाय.